साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज़ को मालूम है हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं, वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, ज्यू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मुझे, मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करें हो, मुसलमानों के लिए करें हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े चार पांच जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक, सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक, कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक, मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है, बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे, ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्ग्यूमेंट में धाराशाही हो जाते हैं। लेकिन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रही, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधाराओं को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपनी समाज से दूर रखिए, तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। जय हिंद।